मैं पहुंचा हूं यहां देव लेबोरेटरीज में आरएफटी टेस्ट के लिए। अक्कल दाढ़ से अभी निजात नहीं मिली थी कि एकाएक पेट में दर्द उठा और चेकअप करवाने पर पता चला कि पथरी की शिकायत है। आरएफटी टेस्ट लिखा था, आज यहां देव लेबोरेटरीज में आया हूं आरएफटी टेस्ट करवाने के लिए। शुक्र है सभी टेस्ट ठीक निकले, मैं चला आया अशोक स्टूडियो। तो आज फिर हूँ मैं यहाँ अशोक का स्टूडियो में। जैसा मैंने हमेशा कहा कि यहाँ मेरे काम की हर चीज़ मिल जाती है, बड़ी उपयोगी, तो यहाँ आज लेने आया हूँ मैं गिम्बल, मोबाइल गिम्बल। ज़रूरी हो जाता है कैमरे के साथ साथ मोबाइल का प्रयोग भी। तो अभी शुभम अपने हाथों से इसको खोल रहे हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर से मोजा कौन सा है। शुभम जी, मोजा मिनी MX2। मोजा मिनी MX2 ये खोल कर मुझे दिखा रहे हैं। तो ये हो रही है अनबॉक्सिंग शुभम के हाथों। तो ये शुभम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये निकल रहा है सबसे पहले गिम्बल, दिख रहा है। तो ये गिम्बल निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ बहुत से उपकरण इसके साथ हैं, लीड वगैरह होंगी और शायद इस तरफ ये इसका ट्राईपॉड है, स्टैंड है। ये इसका स्टैंड है मोजा मिनी MX2 का। पाउच भी है। ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा है और ये कलर मैच है इसके साथ ही, गिम्बल के साथ और पाउच का। तो इसमें ये निकला इसका स्टैंड, बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है और मिनी MX2 काफ़ी कॉम्पैक्ट छोटा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है ये उठाने में भी बहुत आसान रहेगा, आसानी से इसको यात्रा पर भी लिया जा सकता है। अच्छा, ये इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई जी। तो इसका मतलब है राइट। तो अभी शुभम ने मेरे हाथ में मोजा MX2 पकड़ा दिया है और साथ में अरुण है, ये एक जिम चलाते हैं और खुद इनकी सेहत से पता चल रहा है, बड़ा स्लिम बॉडी भी है लेकिन पावरफुल लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अरुण, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी, पर आपने मुझे पहचान लिया और मैं आपको पहले नहीं पहचान पाया क्योंकि दोनों ने बाल काट लिए और दोनों के पहले बाल थे। शुभम भी है तो थोड़ा सा मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हैं हमारे गुरुजी, तो नजर नहीं आ रहे, ये क्यों जा रहा पड़ेगा, ये स्टेप